वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद एक और क्लास लेकर हाजिर हूं। आज नए कंप्यूटर स्टूडेंट्स को आने वाली पांच समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें हम जैसे कंप्यूटर टीचर रोज फेस करते हैं। अक्सर बच्चे इन पांच समस्याओं को पूछते रहते हैं। नंबर एक, एमएस पेंट में पेंसिल चलाते हैं लेकिन कुछ बनता नहीं। नंबर दो, एमएस वर्ड में हिंदी लिखते समय आ बनाते समय टा बन जाता है, अपना लिखते हैं तो टपना बन जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में शा नहीं बनता। एमएस वर्ड में टेबल या तालिका बनाते समय एक सेल में हम हिंदी लिखते हैं, दूसरे सेल में पहुंचते हैं तो इंग्लिश हो जाता है। और कीबोर्ड का बटन लाल क्यों है, कीबोर्ड में कुछ बटन लाल बने होते हैं तो ये लाल क्यों है सर, है ना। तो ये क्वेश्चंस हम अक्सर जो है फेस करते हैं, स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस पेंट में पेंसिल चलाते हैं लेकिन कुछ बनता नहीं। चलिए ओपन करते हैं एमएस पेंट को। यहाँ टाइप किया हमने एमएस पेंट और एंटर कर दिया। एमएस पेंट प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया। अभी हम एक पेंसिल लेते हैं, यहाँ से पेंसिल लिया हमने। कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि आपको दिखाई पड़ता रहे। कंट्रोल प्लस नहीं बल्कि विंडो और प्लस का बटन से जूम होता है, ठीक है। विंडो का बटन और प्लस जब आप प्रेस करेंगे तब आपका ये जूम हो जाएगा, ठीक है। मैंने जूम कर दिया और हम अभी बना रहे, देखिए बन रहा है ना, सब कुछ बन रहा है। लेकिन कभी कभी बच्चे जब काम कर रहे होते, काम करते करते थोड़ी देर के बाद कहते हैं सर हम पेंसिल चला रहे हैं कुछ बन नहीं रहा है। तो क्या होता है असल में, वो काम करते करते यहाँ जो कलर वन आ रहा है ना, इस पर वाइट ले लेते हैं वो, ठीक है। ये कलर वाइट हो गया, अब वो उनको ध्यान नहीं रहता कि हमने कलर वाइट कर लिया है, और वो चला रहे होते पेंसिल, कहते सर कुछ बन नहीं रहा। देखिए पेंसिल मैं चला रहा हूँ, कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ कह रहे सर पेंसिल से भी नहीं बन रहा है, और गोला खींचते हैं उससे भी कुछ नहीं आ रहा है, चौकोर बाग खींचते हैं कुछ नहीं, सर कुछ हो ही नहीं रहा है, सर कोई काम नहीं हो रहा है एमएस पेंट में। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कलर आपने वाइट ले लिया है और पेज का जो कलर है पीछे बैकग्राउंड जो आपका है, जहां आप लिख रहे हो, जहां बना रहे हो, वो भी वाइट है। तो वाइट पर वाइट कहां पता चलेगा, ठीक है। तो क्या करना होता है, कलर वन को सेलेक्ट करके इसका रंग चेंज करना होता है ना, फिर सारी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम होती है अक्सर। चलिए फिर हम चलते हैं दूसरी समस्या की तरफ। हमारी दूसरी समस्या क्या है, दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम है, एमएस वर्ड में हिंदी लिखते समय आ का टा बन जाना। जैसे हम एमएस वर्ड हमारा ओपन है वैसे तो, लेकिन विन वर्ड यहां लिखकर अगर हम एंटर कर दें तो हमारा एमएस वर्ड नए सिरे से खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया। अब यहां पर हमको हिंदी लिखना है, होम पर गए हम, इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, विंडो की और प्लस बटन दबाते हैं, जूम हो गया। यहाँ हमने हिंदी फॉन्ट ले लिया, कृति देव बहुत फेमस फॉन्ट है हिंदी का, ठीक है, आजकल यही यूज हो रहा है। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जूम हो गया कुछ, ठीक है। अच्छा अब जो है हिंदी फॉन्ट हमने ले लिया, अब हमें यहाँ लिखना है, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लिखना चाह रहे हैं अपना घर, अब देखिए टपना हो गया, टपना घर, ठीक है। आ जैसे ही लिखकर अपना हमने लिखा और स्पेस दिया, वो आ टा बन गया, ठीक है। तो ये क्यों आती है, ये समस्या कैसे आती है, इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में सही करना होता है। यही पर देखिए रेड दिखा रहा है तो राइट क्लिक करें और यहाँ ऑटो करेक्ट पर चले जाएं। देखिए ऑटो करेक्ट पर जाकर यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटो करेक्ट का ये बॉक्स खुलेगा, ठीक है, ऑटो करेक्ट का बॉक्स खुल गया। यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट को सेलेक्ट करना हमें, और स्ट्रेट कोट्स को स्मार्ट कोट्स में जो बदलने का टिक लगा है इसको ऑफ कर देना है, इस टिक को हटा देना है। इसी तरह से ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में यहाँ पर भी मिलेगा स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स, इसको भी ऑफ कर देना है, ठीक है। जब हम इनको ऑफ कर देंगे और अब टाइप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि अब हम लिखेंगे अपना घर, अपना देश, कुछ भी लिखिए,
अब टा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट में जाकर स्मार्ट कोर्स जो कन्वर्ट करने वाला होता है टिक टिक हटा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दूसरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। तीसरी हमारी प्रॉब्लम है ये, एमएस एक्सेल में शा नहीं बनता, एमएस एक्सेल में शा नहीं बनता। चलिए एमएस एक्सेल में आ गए हम, हमें लिखना है शलजम, और स्पेस दिया हमने, देखिए शा कट गया, केवल आ की मात्रा आ रही है और जो शा था उसके साथ आता था शा वो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, शरबत लिखते हैं, शरबत देखिए नहीं आ रहा है ना। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल में जो है जहां से हम ये शा बनाते हैं ना, ये कामा वाले बटन से बनाते हैं, कीबोर्ड पर जो कामा वाला बटन होता है उससे बनाते हैं। तो ये एक्सेल में जो कामा वाला बटन होता है वो टेक्स्ट को इंडिकेट करने के लिए होता है, वो ये समझता है कि ये टेक्स्ट लिख रहे हैं। जब नंबर हम कोई लिख रहे होते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे नंबर लिखा, चलिए हमने लिखा ये नंबर लिख रहे हैं, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर हमने लिखा। अब इस नंबर पे अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है तो इसमें यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट बना देते हैं, ऐसे ये कामा वाला बटन दबाया और टेक्स्ट बन गया ये। तो इसी की वजह से, वो टेक्स्ट बनाने की वजह से उसको वो शाह को हटा देता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये शाह हिंदी में लिख रहे हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में कमी है हिंदी वाले में, मतलब फॉन्ट में जो यहाँ पर सेटिंग है एक्सेल की। तो हम क्या करेंगे इस समस्या से बचने के लिए, जब हम शलजम लिखें तो दो बार ये शाह वाला बटन जो हम दबा रहे हैं उसको दो बार दबा दें और फिर आ की मात्रा दबाएं, यानी जो हमारा कॉमा वाला बटन है उसको दो बार प्रेस करें और जो के है यानी आ की मात्रा उसको एक बार दबाएं और फिर पूरा लिखें। ऐसा देखने में लग रहा है एक आधा शाह है एक पूरा शाह है, लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शरबत में आप दो बार शाह बनाएं फिर आ की मात्रा लगाएं और एंटर कर दें, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम चला लें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगली समस्या हमारी क्या है। नंबर चार पर है, एमएस वर्ड में टेबल या तालिका बनाते समय फॉन्ट का बदल जाना। एमएस वर्ड में हम जब तालिका बना रहे होते हैं तो हमारा फॉन्ट बदल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, एक्सेल में एमएस वर्ड में चलते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल लेते हैं, इंसर्ट टेबल, ये चार पांच कॉलम की हम टेबल ले लेते हैं और हम कुछ लिखना शुरू करते हैं। हमें हिंदी में लिखना है, हमें लिखना है हिंदी में क्रम संख्या, नाम है, पिता का नाम है, मोबाइल नंबर है, और इस तरह से लिखना है। तो थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बड़ा हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन दबाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा। और जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें फॉन्ट बदलना है, इसका हिंदी में लिखना है। यहाँ पर हमने दे दिया कृतिदेव, यहाँ पर हमने कृतिदेव दिया और अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रम संख्या, अल्ट 0216 से क्रा आ जाएगा और संख्या हमने लिखा, क्रम संख्या ये आ गया। फिर हमें लिखना है यहाँ पर नाम, अब जब हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं तो ये इंग्लिश में आ रहा है ना। फिर हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट अप्लाई किया, एंटर कर दिया, अब ये नाम हो गया। फिर यहाँ पर जा रहे हैं हम, पिता का नाम हमको लिखना है, पिता का नाम लिखने के लिए जो है हमने लिखा पिता का नाम, फिर इंग्लिश हो गया। ये समस्या बार बार आती है, इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ही बार में पूरे इसको टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाकर हिंदी फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉन्ट, हिंदी का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, कृतिदेव 010 और एंटर कर देंगे। अब क्या होगा, ये देखो फॉन्ट हमने अप्लाई कर दिया कृतिदेव 010 या 043, कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर ले हिंदी का, हमने 010 ले लिया। चलिए तो अब क्या होगा, पूरे जब टेबल को सेलेक्ट करके एक ही बार में अप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे तो अब ये सब में हिंदी का फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, पिता का नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, ठीक है, और यहाँ मोबाइल नंबर, ये बार बार अच्छा बदल जा रहे हैं, कंट्रोल जेड आप प्रेस कर दीजिए तो वो सही हो जाएंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप पूरे टेबल को जब सेलेक्ट करके एक ही बार में हिंदी फॉन्ट अप्लाई कर देंगे तो बार बार हर सेल में आपको बदलना नहीं पड़ेगा। अब कहीं भी आप लिखें, क्रम संख्या 1 लिख रहे हैं आप, नाम है अब्दुल, ठीक है, अब्दुल
पिता का नाम है फहीम, जन्म तिथि है 15/7/2000, मोबाइल नंबर है 100 कुछ भी है, नंबर 2 मोहन। अब देखिए सब में सही चल रहा है ना, पिता का नाम है सोहन, ठीक है। कंट्रोल जेड दबा रहे हैं, ये देखिए सा बदल जा रहा था, मतलब सेहन हो जा रहा था, कंट्रोल जेड दबा दी सही हो जाएगा। ऑटो करेक्ट लगा हुआ है, ऑटो करेक्ट देखिए इसको ही बता देता हूँ मैं, राइट क्लिक करिए इसी पर और यहाँ ऑटो करेक्ट पर जाकर ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखिए, राइट क्लिक किया मैंने और ऑटो करेक्ट पर जाकर ये जो टिक लगे हैं ना, जब हिंदी टाइप किया करिए तो इनको सबको हटा दिया करिए, जितने भी हैं ऑटो करेक्ट के ये टिक हटा दिया करिए। अब आप जो बदल रहा था सोहन का सेहन हो जा रहा था वो सब नहीं होगा, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से मोहन लिख रहा हूँ, मोहन सोहन ये सब नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि हर सेल में वो फॉन्ट बदल जा रहा था, तो एक ही बार में पूरे टेबल को सिलेक्ट करके हम फॉन्ट चेंज कर दें वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी समस्या सॉल्व हुई। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कीबोर्ड का बटन लाल क्यों है, ये बहुत पूछते हैं बच्चे। जब आप लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर बैठे होते हैं, तो कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिन पे कुछ लाल रंग के बटन बने होते हैं। जैसे देखिए ये आई बाल का ये कीबोर्ड है, इस पे आई लाल है, तो भाई ये आई जो लाल रंग का है वो कोई स्पेशल बटन नहीं है। ऐसा नहीं कि इस बटन को दबा देने से ना जाने कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, कोई खतरा है इसलिए लाल बना है, ऐसा नहीं है। ये असल में इसलिए है कि ये कंपनी वाले अपने को हाईलाइट कर रहे हैं, अपनी कंपनी को, आई बाल वो आई को हाईलाइट किए हैं कि हमारा जो है ये कीबोर्ड है आई को उन्होंने हाईलाइट कर दिया है बस। इसी तरह से QHMPL वाले जो कीबोर्ड बनाते हैं तो Q को रेड कर देते हैं, H को, M को, P को, L को वो हाईलाइट कर देते हैं, दूसरे कलर में कर देते हैं। तो कंपनी अपने नाम की वजह से ऐसा करती है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 5 समस्याएं जो हमारी थी कॉमन, जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछा करते हैं, उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो स्टूडेंट नए हैं कंप्यूटर सीख रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, 2 बार 4 बार देखें, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।